नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 29/12/2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में है, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल और केतु वृश्चिक राशि में, सूर्य और बुध धनु राशि में, शुक्र वक्री शनि के साथ मकर राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर में है। राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा आइए देखते हैं। मेष राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, व्यवसायिक सफलता की स्थिति दिख रही है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे योग, बहुत अच्छे मनोयोग के साथ आप एंजॉय करेंगे। प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात संभव है। सुखद समय कहा जाएगा, थोड़ा स्वास्थ्य में फिर भी ध्यान रखिएगा। प्रेम और संतान की स्थिति काफी अच्छी। काली जी को प्रणाम करते रहे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा मन परेशान रहेगा, खिन्नता का अनुभव करेंगे, शत्रुओं पर विजय पाएंगे, यद्यपि वो बहुत परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन आप विजय पा लेंगे। प्रेम और संतान का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। सफेद वस्तु पास रखें। मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा, प्रेम में तूतू मैमे का संकेत है, बच्चों के सेहत पर ध्यान रखें। मानसिक रूप से थोड़े से उद्विग्नता रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेम मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चलेंगे। काली जी को प्रणाम करते हैं। कर्क राशि, माँ से मुलाकात संभव है, माँ के स्वास्थ्य में सुधार संभव है, भूम भवन वाहन की खरीदारी लेकिन गृह कलह का संकेत, प्रेम और व्यवसाय की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। शिव जी को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, पराक्रम रंग लाएगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, भाइयों मित्रों का साथ होगा, स्वास्थ्य में सुधार है, प्रेम और संतान का पूरा पूरा साथ है, सूर्य को जल दें। कन्या राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, कुटुंबों में वृद्धि होगी लेकिन जुबान अनियंत्रित होने की वजह से थोड़ा सा तनाव भी पैदा हो सकता है, अभी निवेश से बचे। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम साथ है और व्यापारिक दृष्टिकोण से सही समय है। काली जी को प्रणाम करें। तुला राशि, व्यापारिक और व्यवसायिक उत्थान होता हुआ दिख रहा है, पिता का साथ होगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और व्यापार की स्थिति काफी अच्छी है, शिव जी को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, मन खिन्न रहेगा, सरदर्द नेत्र विकार से परेशान रहेंगे, खर्चे को लेकर के मन परेशान रहेगा, ओवरथिंक के शिकार होंगे, स्वास्थ्य करीब करीब ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, प्रेम और व्यापार का पूरा पूरा साथ होगा, सूर्य को जल देते रहे। धनु राशि, मन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक मामले सुलझेंगे, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम व्यापार पूरा पूरा भरपूर सहयोग की तरफ दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करते रहे। मकर राशि, मकर राशि का व्यापारिक संतुलन बनेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रेम थोड़ा सा निरसता की तरह रहेगा, बहुत खराब और बहुत अच्छा नहीं होगा, नीरस रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही समय। काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, जोखिम से उबर चुके हैं, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रेम और व्यापार का साथ होगा, काली जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, विपरीत परिस्थितियां रहेंगी, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापार करीब करीब ठीक रहेगा, सफेद वस्तु का दान करें, काली मंदिर में अच्छा होगा। नमस्कार।